तो अभी हम बाघा बॉर्डर से जाने वाले हैं पाकिस्तान। तो यार अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बाघा बॉर्डर। ये पता नहीं मेरे माइक को क्या हो गया भयंकर की, कोई चीज सही होती ही नहीं मेरे साथ। सो गाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू बाघा बॉर्डर और तेज तेज चिल्ला के बोलना पड़ रहा है क्योंकि माइक प्रॉब्लम। सो गाइज इसको पढ़ो, ये है अटारी। तो यार अब इसे भी देख लो, ये देखो ये देखो, इसे कहते हैं रेलवे स्टेशन। तो यार गाइज मैं अभी हूँ अटारी रेलवे स्टेशन। अटारी रेलवे स्टेशन सिंपल में बताऊँगा यार, ये हमारे इंडिया का लास्ट स्टेशन है, मतलब इसके बाद है सीधा पाकिस्तान। बाद भी नहीं है, जस्ट 3 किलोमीटर यहाँ से पाकिस्तान है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ज़्यादा शांत है। अभी तो ये सीन है कि यहाँ पे ट्रेन नहीं चल रही है। हाँ, हमारे भारत से भी पाकिस्तान ट्रेन जाती है, डेली जाती है। उस ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस, जाती है हमारे अमृतसर से। बट इस वक्त पता नहीं कुछ इशू चलते रहते हैं, वो समझौते में ही चलती है, इसलिए उसका नाम भी समझौता ही पड़ा है। तो अभी ऐसा ट्रेन वगैरह नहीं चल रहे, वरना यहाँ पे ये सिक्योरिटी इतनी तगड़ी रहती है ना, यहाँ पे मैं बता नहीं सकता है। पूरा एरिया जो कवर है ना, आर्मी से कवर है ये। अभी जैसे अगर ट्रेन चलेगी तो यहाँ पे पूरी आर्मी आ जाती है, आप विदाउट वीज़ा यहाँ पे एंटर कर ही नहीं सकते हो। तो यार अभी इंस्पेक्टर सर ने बताया कि जो हमारी समझौता एक्सप्रेस है, जो मैंने अभी बताया, वो चलती है। एक्चुअली वो 2 साल से बंद है और इसका रीज़न तो मुझे पता नहीं क्यों बंद है। बाकी बसेस तो हमारी जाती हैं अटारी बॉर्डर से ही होके जाती हैं, जो भी मतलब जिन्हें अटारी बॉर्डर से ही होके जाती हैं, मतलब जिसे भी पाकिस्तान वगैरह जाना होता है, मतलब बाय बस वो जाता ही है। बाकी ट्रेन तो बंद है 2 साल से, मतलब यहीं से ठीक 3 किलोमीटर बाद आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान, वो जो गाड़ी जा रही है वो हमारी हिंदुस्तान की है, कहीं आप समझो पाकिस्तान की गाड़ी जा रही है। हेलो गाइस, हम भी पहुंच गए हैं, स्वागत कीजिए। मैंने समझौता एक्सप्रेस अमृतसर में देखी है, स्टेशन में बहुत बार देखी है, मैंने 5-6 बार देखी है, ज्यादा टाइम ही देखी, इतना कुछ है नहीं। मतलब वहां से अटारी स्टेशन तक बहुत नॉर्मल आती है, उसमें लिखा रहता है पाकिस्तान लाहौर, बट यहाँ पे आके तो खैर इमिग्रेशन वगैरह होता है। जैसे कि आपको पता होगा मानस जैसे कि आपको पता होगा कि ये रेलवे ट्रैक किसी काम का नहीं, इसको उखाड़ के कबाड़े में बेच जाते हैं हम। थोड़ा बहुत अपना वो नहीं शनिदान कबाड़ी वाला, शनिदान इंदिरा घूम सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा स्टॉल्स लग सकते हैं, इतना क्लासिक है। खिड़कियों पे भेजे तो वो बिठा देंगे। अबे स्टेशन इतना बड़ा क्यों बना दिया भाई यार, ट्रेन खड़ी होती है, बस थोड़ी खड़ी होती, रिक्शा थोड़ी आते हैं यहाँ पे। गाइस मेरा टिकट करवा दे, मैं मुन्नी को लेके आऊंगा लाहौर से। तो यार गाइज आप कंफ्यूज मत होना कि अभी तो मैं व्लॉग में बोल रहा था कि हम इस जगह आ नहीं सकते। एक्चुअली ये वाला पोर्शन दूसरा है, लेफ्ट हैंड साइड में, बट जैसे ये जो गेट वगैरह है ना, इसके पीछे मतलब आप तभी जा सकते हो अगर आप पे वीज़ा होगा, पासपोर्ट होगा, तो ही आप जा सकते हो। वहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे समझौता एक्सप्रेस खड़ी होती है, मतलब वहाँ पे कोई सिविल आदमी नहीं जा सकता। बस यहाँ पर तो मतलब हम आ गए, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इसके पीछे तो आप जा ही नहीं सकते, मैं भी नहीं जा सकता। यहाँ इसके पीछे जाने का मतलब है कि आप पाकिस्तान जा रहे हो और आपके पास होना चाहिए वैलिड वीजा, वैलिड पासपोर्ट। थैंक यू सर, बाय बाय। तो यार अभी आपने देखा होगा जिन सर से मैंने ओके सर बोला, एक्चुअली उन्हीं सर से हम रिक्वेस्ट करके अंदर गए, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। नॉर्मल आईडी दिखाई, हाँ हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत अच्छा फील हुआ यार यहाँ पर आके, मतलब अलग ही वाइब है, अलग ही गूज़बम्प्स हैं। मतलब इसके बाद सीधा पाकिस्तान, बाहर से कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सो गाइस इंडिया पाक बॉर्डर 2 किलोमीटर, वो देख। तो यार गाइस यू कांट बिलीव अभी हम पाकिस्तान बॉर्डर से, मतलब पाकिस्तान सीमा से हम ठीक 200 मीटर पीछे ही हैं। चक्कर ये है कि वहाँ पर शूट करने नहीं देते और मुझे यहाँ से पूरा साफ दिख रहा है बॉर्डर। वो देखो वो रहा। कभी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई, डर वगैरह नहीं लगता यहाँ पे? किस चीज़ का डर? हाँ तो कोई डर ही नहीं, सामने तो ये अच्छे है, उस पार पाकिस्तान है। हाँ। से गई थी मम्मी। फौजी साहब आप तो फौजी हो, इधर नहीं देखते क्या लोग? रात को ये भी लाइट क्या चलती है, रात को खेत पार पाकिस्तान नहीं, उधर के लोग नहीं दिखते क्या इधर? रात को तो सिक्योरिटी होती होगी बहुत तगड़ी, इधर ये भी है सब सब नाका दे दी है रात को, यहाँ पे पूरा ना पेट्रोलिंग चलती है। तो यार देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ
एक चीज है जो आर पार कर सकती है वो है चिड़िया वगैरह। जानवर तो क्या ही करते होंगे बार, जानवर को चलो उधर चलते हैं। चिड़िया आर पार कर सकती है, यहाँ पे इंसान नहीं। तो यार यहाँ पर हमें ये बूढ़े दादाजी मिले हैं, बता रहे हैं कि इनकी जमीन है मतलब बॉर्डर के उस पार। तो जब कभी ये मतलब खेती में जाना होता है इन्हें खेती के लिए, तो ये अपना BSF जमानों को एक मतलब आधार कार्ड हमारा नॉर्मल एक इंसान जा सकता है, मतलब एक या दो कोई लिमिटेड होगा। मतलब कैसा है ना, इंडिया में रह के भी पाकिस्तान में ज़मीन है। अंकल जी कभी आपकी, जैसे उधर पाकिस्तानी रहते हैं हमारे जैसे, आपकी उनसे कभी बात हुई? कभी नहीं, करने नहीं देते ना जी, ना बिल्कुल भी नहीं। तो यार अभी हम यहाँ से जा रहे हैं एकदम बॉर्डर के पास। एक्चुअली चक्कर क्या है कि अंकल जी बता रहे हैं वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, मतलब शूट वगैरह नहीं करने देते। सो मैं कैमरा कर रहा हूँ जेब में बंद, और अगर हुआ तो मैं GoPro से ले लूँगा छोटा मोटा शॉट्स। ओ भयंकर क्या हो गया, और नीचे भी देख लो वो टूटता भी है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भयंकर। तो गाइस वो है सामने रोड पाकिस्तान की, देखो शैंकी के घर। भाई यार कैसा फील आ रहा है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे हमारे कुछ हिंदुस्तानी भाइयों के खेत हैं यहीं पर ही, तो ये बिजली के खंभे वहाँ तक जा रखे हैं, मतलब ये थोड़ा सा में ही है। ओ भाई इसका भी टाइम पीरियड है इस गेट का, तो सिर्फ फार्मर्स जा सकते हैं उधर। यार कोई पाकिस्तानी नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो भाई इनका भी टाइमिंग होता होगा ना। ये हमारा हिंदुस्तान है, कहीं से पाकिस्तान ना समझो आप। वहाँ जाने के लिए आपको चाहिए आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ऑफिसर विजिटिंग बुक, पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, स्क्रू ड्राइवर विद स्पैनर, मतलब वही है नॉर्मल हमारे हिंदुस्तान का, एक नॉर्मल आधार कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन, और हमारी जो ज़मीन है उस पार मतलब उसका एक नॉर्मल सा जो भी पर्चा होता है कि हाँ यहाँ हमारी ज़मीन है, हम अपने खेत के लिए जा रहे हैं। बाकी उधर भी अगर आप जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप पार जा रहे हो और बिल्कुल आप लाइक पाकिस्तानी चले गए, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो उसका भी कुछ एक सीमा है कि आप इसके पार ज़्यादा नहीं जा सकते, और इस लिमिटेड टाइम में आपको वापस भी आना पड़ता है वहीं से। बाकी यार कुछ ऐसा है, रात को तो यहाँ पर करंट छोड़ देते हैं, इसमें इतना करंट है ना रात को कि मतलब एक नॉर्मल इंसान अगर इसमें आएगा तो चिपक ही जाएगा बिल्कुल। रात को तो यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखो लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, सामने पाकिस्तान की रोड, और जो ये रास्ता है ना यहाँ से सीधा इधर, ये पूरा हमारा राजस्थान कवर कर लेता है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर आप इस वाली रोड पे जाओगे ना तो आप यहाँ से सीधा चले जाओ, सीधा चले जाओ, सीधे जाओ, आप राजस्थान पहुँच जाओगे, उससे भी आगे पहुँच जाओगे, और यहाँ से आगे आप पहुँच जाओगे लद्दाख। खैर लद्दाख जाने के लिए तो बहुत ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सर उन्होंने पप्पी वगैरह भी रखे हुए, ठीक है सर। सलाम साहब, सलाम साहब, बाय बाय, मिलते हैं फिर सर। डंबल भी है, डंबल। बाय बाय पाकिस्तान, से बाय टू पाकिस्तान। तो यार गाइज हम वहाँ से इधर आ गए, मतलब अभी भी हम यहीं पर ही हैं, 200 मीटर आगे ही है, और सच में आप मेरी हालत से देख सकते हो मुझे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो सैल्यूट है उन इंडियन आर्मी ऑफिसर को जो बॉर्डर के सामने 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं। भाई कसम से मेरी तो फटके चार हो गई, मेरी तो फटके चार होगी, और वो जवान वहाँ पर अभी तक, मतलब यार हैट्स ऑफ है सीरियसली। तो यार शैंकी कैसा लगा? मज़ा आ गया भाई, थोड़ा पाकिस्तान को क्लोज से देखा, थोड़ा अच्छा सा लगा। गाड़ियाँ दिख रही थी मेरे को चलते हुए, टिंग जा रही थी। मानव बाबा कैसा लगा? कुछ नहीं भाई, न्यू एक्सपीरियंस था। मतलब वो मतलब वॉच टावर पे देख के ना, मतलब थोड़ा अजीब सी वाइब थी एकदम, मतलब जैसे गेम्स में होता है ना चढ़ के पूरा देख रहे हैं, अभी मतलब डिफरेंट रियल लाइफ में अच्छा लग रहा था। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस सर। आप कहाँ रहते हो? मैं अमृतसर रहता हूँ। अमृतसर से आपका ये जगह कितना किलोमीटर है? 32। और आप कितनी बार यहाँ आए हो? यही कुछ 1, 2, 3, 0 ये पहले। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें शैंकी आप? मैं तो कहना चाहूंगा ये बहुत ही बर्बाद जीवन है, बर्बाद जीवन है। मानव का जीवन एकदम व्यर्थ है धरती के ऊपर, इनका धरती पर रहना पाप है। तो थैंक्स टू अज्जू भाई जिन्होंने हमें परमिट लगवाया, इन पे जिन्होंने हमें दिखाया परमिट लगवाया हमें। कसम से यार गाइस मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मतलब पंजाब आने का एक जिसे बोलते हैं ना एक्सपीरियंस सफल हुआ।
बात वो नहीं है कि चलो बैंग पीछे का सफर जो हुआ हुआ, बट जिसे बोलते हैं ना पाकिस्तान को इतने सामने से कभी था एक सपना कि अपने सामने से देखेंगे, छुआ भी, इस वक्त करंट नहीं आता इसलिए छुआ भी है, ऐसे तारियों छुई टच मजा आ गया। सर गाइज नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम हेयर, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जहाँ पे बजरंगी भाईजान का शूट हुआ था, जहाँ से हमारी मुन्नी हो गई थी, वो थोड़ा वही पास में ही है अटारी स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन जाती है पाकिस्तान। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। ओ माय गॉड, सो यार दिस इज अमेजिंग, मैं बता नहीं सकता यहाँ पर कितना अच्छा फील आ रहा है। तो यार जो वो गेट है वो है हमारा, वहाँ से है पाकिस्तान, जो समझौता एक्सप्रेस आती है हमारे हिंदुस्तान से यहाँ से आती है और यहाँ से जाती है सीधा पाकिस्तान, और यहीं पे शूट हुआ था हमारे बजरंगी भाईजान का। आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है कि नहीं, बट मुझे इस गेट के पार यहाँ से ट्रेन दिख रही है उधर, अभी देख वहाँ से वो ट्रेन का स्टेशन भी दिख रहा है, क्या नाम लिखा है। सर गाइस घर आ चुके हैं, आप मेरी शक्ल की हालत से देख सकते हो, मैं कसम से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी जगह गए आज, बहुत अच्छा फील हो रहा है इस वक्त आके। बाकी यार इस व्लॉग में इतना ही था, एंड थैंक यू सो मच प्रीवियस व्लॉग में इतना सपोर्ट करने के लिए, आई विश कि आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। कंटेंट क्या बोले तो मतलब जितना मेरे से होता है मैं अपना 100% देता हूँ। बाकी इस व्लॉग में इतना ही था, आशा करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।